हाय गाइस नमस्कार, इस समय हम आए हुए हैं गज स्थल जो कि जिला अमरोहा में स्थित है। आज हम यहाँ आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे, यहाँ की मान्यता के बारे में बताएंगे। आइए बने रहे वीडियो में। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर। ये देख रहे हैं आप सामने प्रवेश द्वार है, यहाँ से ये एंट्री की जाती है। एक गेट ये है और एक गेट इसकी बैक साइड में है, जो उधर के जितने भी गांव हैं वहाँ से उनकी एंट्री होती है। आइए चलते हैं। दोस्तों यह मंदिर एक अमरोहा के पास एक गांव पड़ता है गजस्थल, जो कि अमरोहा से करीब 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर स्थित है। आइए दोस्तों आपको मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी कर लेते हैं। बताया जाता है दोस्तों ये मंदिर का इतिहास करीब 500 वर्ष पुराना है। और इस मंदिर के बारे में दोस्तों यह भी बताया जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक कोई व्यक्ति घास खोद रहा था और उसका खुरपा जो है किसी चीज से टकरा गया नीचे। उसने देखा तो वह एक शिवलिंग था, और उसको जब गहराई से खोदकर निकाला गया तो जहाँ पर वो खुरपा लगा था वहाँ से दूध की धार बह रही थी। उसी समय उस शिवलिंग को निकालकर वहाँ पर उस शिवलिंग का शिलान्यास कर दिया गया और एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। और जिस शिवलिंग से वो दूध की धार बह रही थी तो उस शिवलिंग पर उस समय एक सीमेंट नुमा कोई पदार्थ लगा दिया गया, जो आज भी शिवलिंग पर मौजूद है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मंदिर का परिसर, ये करीब 52 बीघे में है और बहुत काफी जगह है इस मंदिर में। आइए अब चलते हैं, माँ काली के दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पर दो मंदिर बने हुए हैं मेन बड़े बड़े, एक माता काली का जहाँ की अब हम चल रहे हैं, और एक मंदिर है शिवलिंग जहाँ भी वो पुराना शिवलिंग मौजूद है। तो ये रेलिंग बना दी गई है क्योंकि जब यहाँ मेला लगता है नवरात्रों में और चैत में तो यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है, उसके लिए रेलिंग वगैरह लगा दी गई है ताकि दर्शनों के लिए अच्छी व्यवस्था बनी रहे। तो ये देखिए सामने हम मंदिर तक पहुँच गए हैं और आपको दर्शन कराते हैं, माँ काली के दर्शन कीजिए। देखिए सामने मेन मंदिर महाकाली का, ये प्रसाद चढ़ाया गया हुआ रखा है और माता काली के दर्शन। जय मात काली, कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। ये देखिए दर्शन कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सामने देखिए बहुत ही पुराना वृक्ष है ये, और इधर ये देखिए जब यहाँ पे हवन वगैरह कराते हैं जो भक्तगण और यहाँ के जो महंत हैं तो उसके लिए ये कुंड बना हुआ है, हवन कुंड। और मंदिर में चारों तरफ परिक्रमा करने की सुविधा, परिक्रमा कीजिए। ये सामने आप देख रहे हैं जो लोग प्रसाद लेके आते हैं, आटा घी दूध सब चढ़ा के जाते हैं यहाँ पर। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, बहुत बहुत दूर से यहाँ लोग आते हैं, इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं जिस समय मेला लगता है। क्योंकि सभी धार्मिक स्थान जहाँ हैं, जिनकी श्रद्धा जहाँ से है, जहाँ से उनको लाभ मिलता है, जहाँ उनका प्रेम भाव है, वहीं लोग बाग आते हैं। ये देखिए मंदिर के ऊपर से परिसर के नज़ारा, काफ़ी बड़ा परिसर है जैसे मैंने बताया, करीब 52 बीघे का ये परिसर है। और ये देखिए गेट, शिव काली का मंदिर गजस्थल। और दोस्तों गजस्थल इसलिए यहाँ का नाम पड़ा हुआ है क्योंकि पुराने समय में यहाँ हाथियों के झुंड रहा करते थे, यानी गज माने हाथी और उनका स्थान, तो इसलिए पुराने समय से गज स्थल नाम पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पुराने समय में हाथी वगैरह बहुत रहा करते थे, अब तो इस समय मौजूद नहीं है हाथी। और दोस्तों यहाँ पर आकर आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ की काली मैया, काली माता अवश्य पूरी करती है।
आप श्रद्धा भाव लेकर आए और आपकी जो भी मनोकामना है वो यहाँ बोल के चले जाएं। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी, जय माता दी। कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। इस समय आप जो देख रहे हैं ये बाबा गुरु गोरखनाथ जी का धुना है। यहाँ पे बाबा गुरु गोरखनाथ जी का धुना हर समय जो है जलता रहता है। और यहाँ की जो ये भभूत है, राखी है, ये लोग बाग अपने घर ले जाते हैं। यहाँ के जो ये महंत हैं ये ले जाके, और ये देखिए मंदिर, छोटे छोटे मंदिर जो बने हुए साइडों में, उनमें अनेकों मूर्तियां हैं। शेरों वाली माता, चमुंडा देवी, इस तरह से छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए हैं। और ये शनिदेव जी की प्रतिमा, शनिदेव मंदिर, शिव सती मंदिर, देखिए शंकर भगवान जी सती को अपने हाथों में लिए हुए, और गुरु गोरखनाथ जी मंदिर। ये छोटे छोटे बड़े सुंदर लगते हैं। क्षत्रिय जाहरवीर मंदिर, और जाहरवीर जी की ये प्रतिमा घोड़े पर सवार यहाँ पर मौजूद है। जो भी, और देखिए यहाँ पर सामने खाने पीने की चीजें सब मिलती हैं, और यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है, धर्मशालाएं फ्री में। और देखिए 90-22 जोड़े यहाँ पर आते हैं और जोड़ों से प्रसाद चढ़ाकर जाते हैं, जो कि बोल देते हैं, बहुत सी अपनी मनोकामना बोल देते हैं, या जिनके परिवार में शुरू से होता चला आया है कि हमारी शादी के बाद हम यहाँ पर जोड़े से प्रसाद चढ़ाने आएंगे, तो यहाँ पर माता को प्रसाद चढ़ाने आते हैं। नारियल, चुनरी और माता का श्रृंगार यहाँ पर चढ़ाने आते हैं जोड़े से, यानी 90-22 जोड़े से जो है प्रसाद चढ़ाने आते हैं। ये देखिए सामने ये मंदिर सेवा समिति का कार्यालय बना हुआ है, और आपको किसी बात की जैसे कमरे की, रुकने की व्यवस्था के लिए जानकारी करनी है तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और ये देखिए ये है शिव मंदिर, जो कि मैंने आपको बताया था कि पुराना शिवलिंग यहाँ शुरू में, या शिवलिंग निकला था तभी यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये आइए आप शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, उसी शिवलिंग के दर्शन कराते हैं जो प्राचीन शिवलिंग है। देखिए प्राचीन शिव मंदिर, और आप ध्यान से देखना, इसमें उस समय जैसे कि शिवलिंग पे खुरपा लगा था और वो वहाँ से दूध की धार निकली थी, तो आज भी वहाँ पे सीमेंट नुमा कोई चीज़ लगी हुई है। देखिए आप देखना यहाँ पे जो दर्शन करते हुए शिवलिंग के, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा शिवलिंग पे कोई चीज़ लगी हुई है, तो ये उसी समय का है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस स्थान को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है कि जिस समय पांडवों को वनवास हुआ था तो अमरोहा में वासुदेव तीर्थ मंदिर पे तो आए थे ही वो, और इस स्थान पर भी घूमकर गए थे, यहाँ पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। जिससे मैं अब मंदिर के बाहर आएंगे तो बाहर और भी अनेकों शिवलिंग जैसे मौजूद हैं। ये देखिए आप शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, और जो है यहाँ परिवार है, शिव परिवार, शंकर भगवान, माता पार्वती, बड़ा ही अच्छा अद्भुत नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा मन लगता है। और देखिएगा एक साइड में इन्होंने काफ़ी मंदिर बना दिए गए हैं, इसमें अनेकों मूर्तियां हैं, अनेकों मूर्ति इस समय मौजूद हैं। ये देखिए माता सरस्वती, माता सरस्वती विराजमान है, और साइड में ये देखिए आपको दिखाते हैं श्री गणेश जी, गणेश जी की प्रतिमा। आप जिस भी देवी देवता विश्वास रखते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आपको सभी यहाँ पे मूर्तियाँ भगवान मिल जाएंगे। ये देखिए शंकर भगवान, माता पार्वती का मंदिर, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, और देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही सुंदर है। आपको ये देखिए विष्णु भगवान, और ये देखिए राम, सीता, और इस साइडों में देखो आज भी चारों तरफ खेती वगैरह हो रही है, बहुत ही बीच जंगल में है ये, और गांव है जो गजस्थल, उससे करीब करीब
300 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। अब तो गांव में आ गया है मंदिर पूरे। देखिए बाहर से मंदिर का नजारा, श्री शिव काली का देवी मंदिर समिति गजस्थल। ये देखिए बाहर नौगांव की तरफ का गेट है। और दोस्तों यहाँ पर अब भी प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है, प्रत्येक सोमवार को जात वगैरह लगाई जाती है, प्रसाद चढ़ता है। सोमवार की मान्यता ज्यादा है, सोमवार के दिन यहाँ पर लोग बाग ज्यादा आते हैं। देखिए मंदिर, सामने से मंदिर का नजारा, सिंदूरी हनुमान मंदिर। ये देखिए हनुमान जी है, सिंदूरी हनुमान मंदिर, जैसा कि नाम से, क्योंकि ये हनुमान मंदिर और यहाँ पर हर समय रामायण का पाठ होता रहता है। हर समय ये यहाँ के जो है गुरु जी, ये रामायण का पाठ करते रहते हैं हर समय। श्री राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता, देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। आप आएंगे, अगर आप आना चाहते हैं तो अमरोहा से करीब 12 किलोमीटर दूर है ये मंदिर, अमरोहा और नौगामा रोड पर। उससे करीब करीब 3-4 किलोमीटर अंदर को पड़ता है उस रोड से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर आप इन देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।